मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में सिंगरौली अचानक चर्चा के केंद्र में आ गया है। कारण है आम आदमी पार्टी की मध्य प्रदेश प्रमुख और सिंगरौली की मेयर रानी अग्रवाल का चुनाव मैदान में कूदना। इस तरह सिंगरौली में त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है। प्रदेश में आपका वजूद पिछले चुनाव में बहुत ही कम था। उसने प्रदेश में 208 उम्मीदवार खड़े किए थे, जिनमें से 207 की जमानत जब्त हो गई थी। प्रदेश में डाले गए वैध मतों के 0.66% मत आपने हासिल किए थे। सिंगरौली 1957 से 1972 तक सामान्य विधानसभा सीट रही, लेकिन 1977 से आरक्षित श्रेणी में आ गई, जो 2003 तक रही। 2008 से फिर सामान्य सीट हो गई। श्याम कार्तिक निर्दलीय सोशलिस्ट और कांग्रेस से 3 बार विजयी रहे। 1977 में जनता पार्टी के रामचरित्र विजयी रहे, उसके बाद वे भाजपा की ओर से 3 बार जीते। वंशमणि प्रसाद 2 बार कांग्रेस से तो 1 बार सपा से विजयी हुए थे। रामलल्लू वैश्य पिछले 3 बार से भाजपा से विजयी होते आ रहे हैं, लेकिन भाजपा ने 2023 के आगामी विधानसभा चुनाव में रामलल्लू वैश्य को टिकट नहीं दिया है। कांग्रेस ने यहां से रेणु शाह को टिकट दिया है, तो वहीं भाजपा ने राम निवास शाह को। 2018 के चुनाव में भी सिंगरौली में त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था। इस बार भी ऐसे ही समीकरण बनते नजर आ रहे हैं। सिंगरौली विधानसभा क्षेत्र में डाले गए वैध मतों का भाजपा के रामलल्लू वैश्य को 24.63, कांग्रेस की रेणु शाह को 22.13 और आप पार्टी की रानी अग्रवाल को 21.59% मत मिले थे। विधानसभा में अपनी मजबूत स्थिति को देख रानी अग्रवाल 2022 में सिंगरौली नगर निगम के चुनाव में महापौर के लिए खड़ी हुई थी और जीती भी। महापौर चुनाव में रानी अग्रवाल को 34,585, कांग्रेस के अरविंद सिंह चंदेल को 25,031 और भाजपा के चंद्र प्रताप विश्वकर्मा को 25,233 मत प्राप्त हुए थे। इस तरह 5 पार्षदों के साथ रानी महापौर पद के लिए 9,000 से ज्यादा वोटों से जीती थी। रानी अग्रवाल के उत्साह में वृद्धि होना स्वाभाविक था। सिंगरौली में पिछले चुनाव में रानी अग्रवाल ने अच्छा खासा प्रदर्शन किया था। 2013 में भाजपा के रामलल्लू वैश्य से सिंगरौली रियासत के बावजूद भुवनेश्वर प्रसाद सिंह राजा बाबा हार गए थे। राजा बाबा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह के दामाद थे। अर्जुन सिंह की बेटी वीणा सिंह भी सीधी से निर्दलीय लोकसभा उम्मीदवार के रूप में चुनाव लड़ चुकी हैं, पर उन्हें सफलता नहीं मिली थी। रानी अग्रवाल बरगवा की रहने वाली हैं। उनके पति प्रेम अग्रवाल का लकड़ी का कारोबार है। रानी के 2 बेटे हैं और दोनों विवाहित हैं। रानी 12वीं तक पढ़ी हैं और जमीनी कार्यकर्ता रही हैं। समाज सेवा में भी वो लगातार जुटी रही हैं। पहले सरपंच फिर जिला पंचायत की सदस्य बनी रानी ने अपना राजनीतिक करियर भाजपा के साथ शुरू किया था। वे 2018 में भाजपा छोड़कर आप में शामिल हुई थी। सिंगरौली जिले की बात करें तो ये प्रदेश का 50वां जिला है, जो सीधी जिले में से कुछ हिस्सा लेकर बनाया गया था। सिंगरौली जिला प्राकृतिक संपदा से घिरा हुआ है, जो वनों की प्रचुरता के लिए पहचाना जाता है। यहाँ के वन घनेपन के लिए जाने जाते हैं। प्रदेश की ऊर्जा राजधानी सिंगरौली मानी जाती है। यहाँ ताप विद्युत निगम NTPC, हिंडाल्को और कोल इंडिया के लिए कोयले का भंडार है। आजादी से पहले यह रीवा राज्य की एक रियासत रही है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भी, निरंतर।